எப்படி இருக்கு பாருங்க. जय गुरुदेव. गुड इवनिंग एवरीवन. गुरु सप्ताह के पहले दिन पहले शाम में आप सबका स्वागत है. तो अब हम लोगों ने काफ़ी कुछ आज शाम के लिए ऑर्गेनाइज किया है. तो पहले हम शुरुआत करते हैं शरत और आदित्य के कुछ भजनों के साथ. तो शरत और आदित्य वेलकम. हेलो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. ऑडिबल है सब? हाँ जी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट बाय चैंटिंग ओमकार 3 टाइम्स. बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर. एक सांस अंदर लेते हैं ओम के लिए. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा. हे शिवनंदन लंबोदर हर विश्व विनायक नमो नमः. हे शिवनंदन लंबोदर हर विश्व विनायक नमो नमः. नमो नमः नमो नमः विश्व विनायक नमो नमः. नमो नमः नमो नमः विश्व विनायक नमो नमः. हे शिवनंदन लंबोदर हर विश्व विनायक नमो नमः. नमो नमः नमो नमः विश्व विनायक नमो नमः. सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता
Siddhi Vinayaka Mangala Data. Parvati Nandana Gajanana. Parvati Nandana Gajanana. He Shivanandana Lambodara Hara Vishva Vinayaka Namo Namaha. Namo Nama, Namo Nama, Vishva Vinayaka Namo Namaha. Siddhi Vinayaka Mangala Data. Siddhi Vinayaka Mangala Data. Siddhi Vinayaka Mangala Data. Parvati Nandana Gajanana. Parvati Nandana Gajanana. He Shivanandana Lambodara Hara Vishva Vinayaka Namo Namaha. Moriya re bappa moriya re moriya re bappa moriya re he moriya re bappa moriya re moriya re bappa moriya re he moriya re bappa moriya re he moriya re bappa moriya re he moriya re bappa moriya re moriya re bappa moriya re he moriya re bappa moriya re moriya re bappa 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 moriya re.
आई होप आप भी घर बैठे बैठे गा रहे होंगे भजन। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु ओंकारा गुरुओ गुरुओ जय गुरु ओंकारा गुरुओ गुरु आनंदमूर्ति जय गुरु आनंदमूर्ति जय गुरु गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण आनंदमूर्ति जय गुरु आनंदमूर्ति जय गुरु गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण ब्रह्मा शिव हरि नारायण ब्रह्मा शिव हरि नारायण नारायण ओम नारायण ओम नारायण ओम गुरु नारायण ओम जय 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 गुरु जय 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 गुरु गुरु नारायण नारायण
Guru Omkara, Guru Om, Guru Om. Ananda Murti Jaya Guru Om. Anandamurti Jaya Guru Guru Narayana Narayana Guru Narayana Narayana Guru Narayana Narayana. थैंक यू आदित्य और शरद हमारे इस पहली शाम की इतनी सुरीली शुरुआत के लिए. तो ये जो गुरु सप्ताह की जो हमारी कोशिश है, ये पैन महाराष्ट्र इनिशिएटिव है और उसको हम टीम थाने फैसिलिटेट कर रही है. तो हमारी कोशिश है कि ये जो 6 दिन हम लोग तमस से रजस, रजस से सत्व की ओर हम लोग जाएंगे. एंड सो हर दिन की शुरुआत हम साधना से करेंगे. तो इसलिए हर दिन हमारे साथ आप प्लीज जुड़िए. 6:30 बजे हम लोग साधना शुरू करते हैं. आज अरुण शिनॉय जी ने हमें बहुत बहुत एनर्जाइजिंग साधना करवाई और शाम को हर दिन हमारी टॉपिक अलग अलग होगी. और आज की शाम हमारे साथ स्वामी वैश्वपायन जी जुड़े हैं. स्वामी जी जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सो स्वामी जी के बारे में मैं यू नो जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस स्वामी जी आपको इंट्रोड्यूस, सब पहचानते हैं आपको, फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, कराती हूँ. तो स्वामी जी वॉज अ चेस, इज अ चेस प्रोडिजी एंड ही हैड हिज यूनिवर्सिटी डेज में इन्होंने अपना शतरंज के खुद इंस्टीट्यूट, आई थिंक यू हैड ओपन स्वामी जी, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. या 20 साल से ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में फुल टाइम टीचर हैं. इनिशियली उत्तर प्रदेश में आपने बहुत काफी युवकों के साथ आपने उनका जीवन रिहैबिलिटेट करके उनको मेन स्ट्रीम में या फिर हाई रिस्क एरिया YLTP काफी करवाया है. इंटरनेशनली आप हंगरी और बॉस्निया में काफी काम किया है प्रिजनर्स के साथ, ये भी हमने सुना है. और तिहाड़ जेल में भी काफी काफी टेररिस्ट को आपने मेन स्ट्रीम रिहैबिलिटेट करके मेन स्ट्रीम पे लाए हैं आप इन. और फिर वी हैव आल्सो हर्ड कि आप काफी कॉर्पोरेट में भी आपने यूनिसेफ एंड लार्ज एनएनसीज में काफी काम किया है. तो आप अपना टाइम निकाला है हमारे लिए स्वामी जी, आई नो. थैंक यू सो मच एंड प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू स्वामी जी. आज का टॉपिक आपका इनवोकिंग द काली इन यू. So we are just waiting to hear that from you. Yes, thank you. आपने मुझे यहाँ पे बुलाया. ये अपने आप में ये जो उपक्रम चल रहा है ये बहुत ही स्तुत्य है. खास करके आजकल जैसे समय चल रहा है ना, उस समय में तो ये बहुत आवश्यक है ऐसे मुझे लगता है. देखो गुरुजी का बर्थडे भी बहुत स्पेशल दिन में है, 13 मई. तो गुरुजी का पूरा उद्देश्य जीवन का है तुम्हारे लिए मैं उपलब्ध हूं. और सही मायने में ये जो पूरा टीम है ये उसी चीज को दोहरा रहा है कि देखो चाहे परिस्थिति माहौल कोई भी हो मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं, अवेलेबल हूं. तो मुझे ऐसे लगता है जो भी हमारे सारे व्यूअर्स, करीबन 1,000 से ज्यादा लोग एट प्रेजेंट हमें देख रहे हैं, हम सबने इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए. क्योंकि 3 चीजें
कहा गया है अपने मन को बचाने के लिए, ये बहुत आवश्यक है, आपने सुना भी होगा। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, हमारे मन को बचाने के लिए, हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए जो भी कोई साक्षात्कारी व्यक्ति है ना, उसके शरण में रहना चाहिए, गुरु के शरण में रहना चाहिए। दूसरा कहते हैं संघम शरणम गच्छामि, संघ में अगर आप ग्रुप में रहते हो ना, तो आप देखो आपका मन बचने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी दिन थोड़ा लो फील कर रहे हो तो अकेले रहते हो ना तो और ज्यादा लो लगता है, आपने देखा होगा। लेकिन वही आप दोस्तों के साथ, सत्संगियों के साथ जाओ, देखो वो ना आपको लो रहने नहीं देंगे वो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब एक ग्रुप में हम रहते हैं, संघ में रहते हैं ना, तो ऊर्जा अपलिफ्टेड रहती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो टीम जो कर रही है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है कि हम सबको एक ग्रुप में ये लोग बांध रहे हैं डिजिटली, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ चर्चा करके, ज्ञान की बातें करके एक दूसरे के ऊर्जा को अपलिफ्ट कर सके। और तीसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म। धर्म का मतलब ये होता है कि कुछ प्रोसीजरल पार्ट। हमारे लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए धर्म क्या है, मैं एकदम सिंपल बताऊं आपको। रोज सवेरे उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद अपना अपना करना साधना ये अपना धर्म है कि नहीं? गुरुजी ने हमें कौन सा धर्म अलग बताया? गुरुजी ने कहा जाके कहा कि ये रिचुअल्स करो, ये कर्म कांड करो? नहीं, कुछ नहीं बताया। हमारे लिए सिंपल कर्म कांड रिचुअल क्या है, उठ के वही थोड़ा आसन करो, सूर्य नमस्कार करो, पद्म साधना आता है तो पद्म साधना करो, है ना, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, अलग अलग मुद्रा प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये हमारे लिए धर्म है। तो हमें ये तीन चीजें, ये जीवन को बेहतर बनाना है, मेरी बात ये नोट करके रखना कहीं पे, ये तीन चीजें अगर आपके जीवन में होगी तो आपके मन को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। कौन सा? बुद्धम, जो साक्षात्कारी पुरुष है गुरुदेव, उनके शरण में रहो, उनके साथ रहो। दूसरा, सत्संगियों के संग में रहो। और तीसरा, जो प्रोसीजरल पार्ट बताया, जो धर्म बताया, उसे फॉलो करो, साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो। इतना सिंपल है जीवन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है अपना, नोइंग द काली इन यू। काली गॉडेस, काली को सब कोई जानते हैं, फोटो देखा होगा, और आप में से काफी लोगों ने यह सोचा होगा, अरे बाप रे, स्वामी जी काली के ऊपर क्यों बोलना चाहते हैं, उनको तो देख के ही थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो सारी माला उनके गले में, वो मुंड माला है ना, किसी के कटे हुए गर्दन की माला है, उनके कमर पे जो वस्त्र है वो हाथ लटकाए हुए है, उनकी आंखें जैसे अंगार निकाल रही है, उनकी जबान बाहर आई है, वो पूरे काले या नीले रंग में उनको बताया जाता है। तो ऐसे माता, ऐसे काली के ऊपर स्वामी जी क्या बोलने वाले हैं, ये काफी लोगों के मन में होगा। और हमारे भीतर भी ये काली रहती है क्या? हमारे भीतर कौन सी काली रहती है, ये आपके मन में विचार होगा। लेकिन मैंने जो गुरु जी के साथ जो सुना है, जो मैंने पढ़ा है, काली का इतना सुंदर मतलब है, अगर ये मतलब हम समझ जाएंगे, उनके साथ जुड़ी हुई कथाएं अगर हम देखेंगे, तो मैं आपको कहता हूं आज की ये जो परिस्थिति है ना, इसमें भी ये सारी चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल हमें लगेगी। हमें ऐसे लगेगा, अरे ये तो मेरे जीवन में भी हो रहा है, ये तो मेरे आसपास भी हो रहा है ना। तो सबसे पहले शब्द काली, काली शब्द, इसके दो प्रमुख अर्थ निकलते हैं। हाँ, एक अर्थ निकलता है डार्क, काला, है ना, काले रंग को हम काला कहते हैं ना, काला, वो एक अर्थ निकलता है। अब इसका क्या मतलब है? गुरुजी के एक टॉक में गुरुजी ने इतना सुंदर कहा था, गुरुजी ने कहा था, काले उजाले में आपको ज्यादा दिखता है
या अंधेरे में, काले में ज्यादा दिखता है? तो काफी सारे लोगों ने कहा गुरु जी नेचुरली उजाले में हमें ज्यादा दिखता है। तो गुरु जी ने कहा नहीं, उजाले में तुमको लिमिटेड दिखता है, अंधेरे में तुम्हारी दृष्टि बहुत विशाल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सवेरे के दिन जब सूरज होता है तो सूरज में आपको अपने आसपास का माहौल परिसर दिखता है, लेकिन इस यूनिवर्स में हजारों लाखों सूर्य भी है, हजारों लाखों तारे भी है, हजारों लाखों ग्रह है, प्लैनेट्स है। ये आपको दिन के उजाले में दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। ये कब दिखते हैं पता है आपको? रात के अंधेरे में। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखो आप, आपकी दृष्टि उजाले में विशाल होती है या अंधकार में विशाल होती है? और आप अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा जब अंधेरा हो जाता है तो हजारों करोड़ों कोस दूर के भी प्लैनेट्स, तारे हम महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिनके भीतर वह काली तत्व है वो तुम्हारे दृष्टि को विशाल करने वाला तत्व है। उजाले में तो कंफर्ट में रहते हो, अंधकार तुम्हें ज्ञान से वो करता है, ज्ञान के प्रति तुम्हें आगे बढ़ाता है, तुम्हारी समझ को, तुम्हारे अवेयरनेस को विशाल करता है। कितना सुंदर है देखो। तो काली, डार्कनेस से डरने की जरूरत नहीं है। काफी बार लोग कहते अरे बाप रे ये डार्कनेस, ये तो सारा ऐसे कहते ना वाम पद्धति जो जुड़े हुए सारे तंत्र वगैरह है वो काली से जुड़े हुए। नहीं, वो भी, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 10 महाविद्याएं जिससे निकली है वो काली है, उसके बारे में भी थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये सोचो कि काली रात्रि में जो डार्कनेस है उसमें विशालता बढ़ती है, आपकी समझ, आपकी ज्ञान बढ़ती है। प्रकाश, लाइट, लिमिटेडलेस नाता है। ये एक मतलब हुआ काली का। दूसरा मतलब होता है काल, समझते हो आप? काल का मतलब क्या? टाइम, ओके? और काल का स्त्रीलिंग अगर आप करोगे तो वो होता है काली। तो काली का दूसरा मतलब क्या है पता है? समय। और हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि समय के सामने ना कोई नहीं टिक सकता। ये तो सुना है ना हम सबने, काला ये तस्मै नमः। इसलिए क्या कहते हैं भाई, काल अल्टीमेट है, तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, तुमसे खतरनाक, काल से खतरनाक इस सृष्टि में, इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो काली का मतलब वो भी है कि काल, समय, जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे पावरफुल है और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अब मैं आपको कहता हूं, ये जो समय चल रहा है ना, ये समय काली उपासना का सबसे बेस्ट समय है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि देखो अनादिकाल से, काफी बार लोग आजकल थोड़ा पैनिक है, ये पैंडेमिक चल रहा है ना, तो लोग भी थोड़ा परेशान है। लोग कहते हैं अरे स्वामी जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दिक्कतें आ रही है। मैं आपको कहूं, काल के सामने ये कुछ टिक नहीं सकता। बड़े से बड़ा पैंडेमिक भी काल के सामने बहुत छोटा सा हो जाता है और काल उसको निगल जाता है, काली उसको खा सकती है, निगल जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस सारे सिचुएशन को भी काली अपने मुंह के भीतर लेके खत्म कर देगी। यही चाहते हैं ना हम? यही तो चाहते हैं कि कैसे इस सारे परिस्थिति से हम बाहर आए। काली से जुड़े हुए बहुत सुंदर कुछ, अगर आप
देवी महात्म्य अगर आपने पढ़ा होगा, सप्तशती दुर्गा जिसे हम कहते हैं, 700 श्लोक है। मार्कंडेय ऋषि ने बहुत सुंदर उसकी रचना की हुई है, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसमें देवी माँ की तारीफ ही तारीफ है, और उसके सारे उसने कौन से युद्ध किए, कहाँ किन दैत्यों को उसने हराया, वो सारा बहुत सुंदर तरीके से उस देवी महात्म्य में बताया हुआ है। सप्तशती दुर्गा 700 श्लोकों में उसको बताया हुआ है। मार्कंडेय ऋषि, उनका भी बहुत इंटरेस्टिंग जीवन था। ऐसे कहते हैं मार्कंडेय ऋषि, बहुत कम उम्र उनको मिली थी, उनके उनके पत्रिका में, उनके ज्योतिष में ऐसे लिखा था, ये बच्चा ज्यादा समय तक नहीं जिएगा। तो ऐसे कहते हैं उनको उनके गुरु ने ये कहा कि तुम देवी की स्तुति करो, और उन्होंने ये सप्तशती, ये 700 श्लोक लिखे, और उनके ऊपर साक्षात महामाया देवी माँ प्रसन्न हुई। और ऐसे कहते हैं उनको हजारों वर्ष का आयु दिया, ऐसे जैसे वो ऑलमोस्ट इमोर्टल हो गए, है ना। सप्त चिरंजीवी श्लोक आपने सुना होगा ना, तो वो सप्त चिरंजीवी श्लोक के अंत में आते हैं, मार्कंडेयम यथाष्टमम जीवेत वर्ष सोपी शत वर्ष सोपी सर्व व्याधि विवर्जित, ऐसे उसके आखिर के श्लोक में आता है कि 7 चिरंजीवों के साथ अगर आप मार्कंडेय ऋषि का नाम लेते हो तो आप भी उनके तरह सैकड़ों वर्ष तक जियोगे, वो भी कोई व्याधि हुए बगैर। ये मार्कंडेय ऋषि की कहानी है, जिन्होंने इस काली के बारे में, दुर्गा के बारे में, चंडी के बारे में इतनी सुंदर को स्टोरी बताई है। तो ये काल का प्रतीक है और ये परम ज्ञान का प्रतीक है। ओके, तो काल के सामने भी कोई टिक नहीं सकता और इस परम ज्ञान के सामने भी कोई टिक नहीं सकता। इसलिए जो चंडी की आराधना करते हैं उनको ना डर छू भी नहीं सकता। समझ में आ रहे हो? अगर डर तुमको छू रहा है तो तुमको चंडी की आराधना करनी चाहिए, काली की आराधना करनी चाहिए। हाँ, और वो आराधना करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गुरुजी ने जो बोला है ना, हमारे भीतर वह चंडी तत्व है, काली तत्व है। आपके भीतर समय नहीं है क्या? है, समय आपके भीतर ही स्थित है। आप ही समय को संभालने वाले हो, आप ही परम ज्ञान को संभालने वाले हो। आपके भीतर वह प्रस्थापित है, सिर्फ दिक्कत क्या है पता है? भूल गए हैं, तो किसी को जगाने की आवश्यकता है। हमारे भीतर के काली को थोड़ा जगाओ तो ऐसी एक ऊर्जा उठ जाएगी ना कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ये पैंडेमिक भी नहीं। आजकल के टॉपिक में पैंडेमिक बहुत जल्दी आता है, तो मैं यही कहता हूं चंडी की आराधना करो, उसके सामने फिर ये पैंडेमिक भी टिक नहीं पाएगा। काली की, चंडी की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है दुर्गा सप्तशती में, महात्म्य में, वो है रक्त बीजासुर की। आप देखो रक्त बीजासुर का आज के इस जमाने में भी एकदम परफेक्ट वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बैठा है। रक्त बीजासुर कौन था बताएं? रक्त बीजासुर को जब भी देवता मारते थे तो उसके शरीर के भीतर से जो भी खून निकलता था ना, वो उस खून से दूसरा क्लोन बना के दूसरा रक्त बीजासुर बना देता था। अब आप मुझे बताओ, ये जो भी वायरल इंफेक्शन है, आपको नहीं लगता ये भी रक्त बीजासुर है? क्या होता है देखो ना, एक वायरस किसी के छींक के वजह से, किसी के उसके वजह से वो स्प्रेड होता है, एक से इंफेक्शन दूसरे में चला जाता है, दूसरे को वो वायरस को मारने के लिए जाओ तो वो तीसरे में चला जाता है। तो ये इंफेक्शन अपने रूप मल्टीप्लाई करता रहता है। आपको नहीं लगता ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है रक्त बीजासुर का भी, ये पैंडेमिक भी? अब ये जो चंडी थी, काली थी, उसने रक्त बीजासुर का वध किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ऐसे कहते हैं उनके
साथ जब वध किया तो उनके साथ एक सर्प और एक जैकल, क्या कहते हैं, सियार, वो था उनके साथ। और उन्होंने क्या किया, रक्त बीजासुर का जब सिर काटा ना, तो एक हाथ में उनके कटोरे था, कटोरा था, एक बोल था, और उसके अंदर वो खून को नीचे गिरने ही नहीं दिया उन्होंने। और जो जैकल और जो सर्प थे वो भी नीचे आस लेके बैठे थे, अगर कोई बूंद गिरता था तो वो उसको पकड़ लेते थे, नीचे गिरने नहीं देते थे जमीन पर। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो सर्प सजगता का प्रतीक है, तो सजगता जब होगी तो कोई भी रक्त बीजासुर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो सजगता क्या है आज के दिन में, बाहर जाने के बाद हैंड वॉश करना, साबुन से हाथ धोना, मास्क को लगाना, ये सजगता नहीं, ये तो क्या है, सर्प का प्रतीक है। और जैकल जो सीआर होता है ना, वो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इसीलिए देखो सीआर को, जैकल को हमेशा बहुत होशियार कहा गया है ना। तो होशियारी क्या है, अभी क्राउड में नहीं जाना होशियारी है, अभी पब्लिक प्लेसेस में जरूरत नहीं है, वहां पे टाइम पास करने के लिए नहीं जाना होशियारी है, अपने घर के अंदर अच्छे से बैठे रहना होशियारी है। तो अगर काली तत्व, वह ज्ञान, वह ऊर्जा, वह काल को हमारे भीतर हम जगाएंगे, और सर्प और वो जैकल अगर हमारे साथ होगा, तो ये रक्त बीजासुर फैल नहीं पाएगा। कितना सुंदर है, देखो ये पुराण जो है ना, वो ऐसी कहानियां है, बिलीव मी, ये एकदम प्रैक्टिकल कहानियां है, हर किसी के जीवन में घटने वाली चीजें है ये। तो काली का जागरण, चंडी का जागरण करना इसके लिए आवश्यक है, ताकि हमारे भीतर वह ऊर्जा उठ जाए और सजगता आ जाए, ज्ञान आ जाए, जिसके वजह से ये जो भी रक्त बीजासुर इधर उधर मंडरा रहे हैं, उनको हम खत्म कर सके। तो काली को कहीं मंदिर में जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं, काली को कोई विशेष अनुष्ठान करके जागृत करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे भीतर ही वो तत्व है, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गुरु जीवन में होने का सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, गुरु तुमको इधर उधर नहीं भेजते, गुरु तुमको इधर उधर नहीं भगाते, बल्कि बिठाते हैं और कहते हैं, अरे इधर उधर क्यों मंडरा रहा है, इधर उधर क्यों भाग रहा है, तुम जहां हो वहीं पे सब कुछ उपलब्ध है। तो वो काली तत्व हमारे भीतर भी है, जबान बाहर निकाल रही है, काली मौन का प्रतीक है। काफी बार आप देखोगे ना, तो हम जो बातचीत करते रहते, गॉसिप करते रहते, उससे ऊर्जा और कम हो जाती है काफी बार, आपने देखा होगा। तो कुछ समय के लिए मौन में चले जाओ, हो सकता है तो एडवांस कोर्स में बैठ जाओ, सबसे बेस्ट है। है ना, तो वो करो, जबान बाहर निकलने का प्रतीक वो है। हाँ, आंखें बड़ी है, आंखें बड़ी जब करते हो ना तो दृष्टि टिक जाती है। आप देखो आंखें बढ़ा करके फिर बहुत इधर उधर नहीं देख सकते, आंखें बढ़ा करके देखोगे तो एक ही जगह पे दृष्टि लगानी पड़ती है, तब आंखें बड़ी रहती है। तो कहते हैं एक उस तत्व पर अपनी आंखें टिका लो। हाँ, वो गले में वो सब मुंडिया पहनी हुई है। और उसमें भी गुरुजी ने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, एक जगह पे जब सिर लगा रहता है ना, तब उसमें बहुत विचार, बहुत कंफ्यूजन और बहुत प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जब उसकी खोपड़ी बन जाती है ना, तो कुछ नहीं रहता। तो गुरुजी ने यह कहा कि उसने खोपड़िया उसका माला पहना हुआ है। हाँ, तो नॉर्मल दिमाग अगर रहेगा तो बहुत कुछ चलता रहेगा, खोपड़ी बन जाओ यानी क्या, शांत हो जाओ, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उसकी माला उसने पहने हुई है। हाथों को काट के कमर का पट्टा बनाया हुआ है उसने, तो वो क्या दर्शाता है, निष्कर्म योगी बनो, वरना काम करने से एक अहंकार भी आता है। हाँ, निष्कर्म योगी बनने के लिए
वो कहते हैं, फिर और एक चीज है, वो इतना गुस्सेल हो गई थी ना ये सब रक्त बीज बीजासुर का सब करने के बाद, उसको वह खून उसको चाहिए था। उसने ऐसे तय किया कि इस सृष्टि में उपलब्ध सारे जीवों को मैं खा जाऊंगी, ऐसे उसने सोचा था, और इसलिए वो सबका खून पीने के लिए लालायित हो गई, आगे बढ़ने लगी। तभी फिर उसके बीच में शिव जी आए और नीचे वह गिर गए, जैसे शिव जी के ऊपर पैर रखा, फिर एक असीम शांति का उसको अनुभव हुआ, एक परम ज्ञान का, एक चेतना का अनुभव हुआ, और फिर उसे ये महसूस हुआ कि ये सारा करने की आवश्यकता नहीं है, खून पीने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसका दूसरा सिंबल हम ये समझ सकते हैं, काल जो होता है ना वो सब कुछ खा जाता है, काल को कुछ फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति जीव जंतु परिस्थिति हर चीज काल निकल जाता है। तो जब काली मां निकल पड़ी सब कुछ खाने के लिए, तो ये दर्शाता है कि काल सबको खा जाने वाला है, लेकिन जब वो परम शिव तत्व, वह ब्रह्म तत्व, वह परम ज्ञान तत्व से उसका पैर उसके ऊपर जब गिर गया तो वह शांत हो गई। तो ऐसे कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी लोग होते हैं ना वो काल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, बाकी जैसे जीव जंतुओं को काल खा जाता है ना, परम ज्ञानियों को काल भी वैसे समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा परम ज्ञानी शरीर त्यागने के बाद भी हजारों वर्षों तक वैसे के वैसे लोगों के याद में रहते हैं, मन में रहते हैं, स्मरण में रहते हैं। कितना सुंदर एग्जांपल है, देखो नॉर्मल व्यक्ति को काल खा जाता है, दो पीढ़ी के बाद उसको कोई याद भी नहीं करता, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो सैकड़ों वर्ष पहले भी, अगर उनका शरीर उन्होंने त्याग कर दिया, फिर भी सैकड़ों वर्षों के बाद तक हम उनको याद करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो काल उनको वैसे समाप्त नहीं कर सकता। तो काली रूप से ना ये सारी चीजें हमको समझ में आती है, इंटरेस्टिंग है ना। तो काली को डरने की आवश्यकता नहीं, चंडी को डरने की आवश्यकता नहीं, वो तो ऊर्जा की देवता है। मैं तो कहता हूं अगर आप में से किसी को भी डर लगता है तो चंडी की आराधना करो, काली की आराधना करो, 10 महाविद्या उससे निकली है, जो तंत्र में काफी बार उसका इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र का मतलब ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है, तंत्र का मतलब होता है टेक्निक्स, यंत्र मंत्र और तंत्र, ये साधना के 3 पहलू कहे गए हैं। यंत्र का मतलब साधन, मंत्र का मतलब वो मानसिक, और तंत्र का मतलब टेक्निक्स। तो हम 3 पद्धतियों से ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं, ज्ञान को सिद्ध कर सकते हैं, मानसिक दृष्टया कर सकते हैं, साधनों की मदद से कर सकते हैं, या टेक्निक्स के मदद से कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं जो प्रमुख 10 महाविद्याएं कही गई है वो सारी विद्याएं चंडी के भीतर से निकली है, काली के भीतर से निकली है। तो 10 एंगल कह सकते हैं हम, कहते हैं ना 8 दिशाएं होती है और ऊपर की और नीचे की, ऐसे 10 दिशाएं हम कहते हैं, पता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर नॉर्थ ईस्ट और वो ईशान्य अग्नेय वायव्य नैऋत्य, 8 दिशाएं कही गई है, और ऊपर की एक ऊर्ध्व दिशा और नीचे की एक 10वीं, ऐसे 10 दिशाएं अगर हम कहे तो कोई भी ज्ञान को इस 10 एंगल से हम सिद्ध कर सकते हैं, इस चंडी को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे 10 एंगल को 10 महाविद्याएं कहा गया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आज तो थोड़ा समय की पाबंदी है, मैं बहुत डिटेल इन सब में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, एक जस्ट मैं बता रहा हूं कि चंडी का जो स्वरूप है ना, डरो मत, उसको भीतर अनुभव करो, आपके जीवन से हर डर निकल जाएगा, आई विल गारंटी यू। आपको कोई, आप ही, आप शायद चाहो तो किसी को डरा पाओगे, लेकिन आपको कोई डरा नहीं पाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी को डराओ, मैं ये चाहता हूं कि आपके भीतर से डर का वो छोटे से छोटा
जो कतरा है ना वो भी निकल जाए। तो कैसे निकाल सकते हैं? चंडी की आराधना करके, काली की आराधना करके, जिसने काल को सिद्ध कर लिया, जिसने समय को सिद्ध कर लिया, जिसने ज्ञान को सिद्ध कर लिया, उसके जीवन में डर का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहेगा। तो मैं ये आज टॉपिक हमने जो लिया आज के इस समय के लिए वो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, क्योंकि आज का ये समय है, इसमें काफी बार मैंने देखा है लोग थोड़े परेशान है, डर रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, हमारे भीतर के चंडी को, हमारे भीतर के काली को जगाएंगे ताकि हमारे जीवन से सारा भय तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चंडी का जुड़ा हुआ ना एक बहुत सुंदर एक स्तोत्र है, वो बहुत लंबा है, आईगिरी नंदिनी आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो अनुराधा जी शायद अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ स्टैंजा पढ़ेंगे, तो जस्ट उसका थोड़ा आनंद लीजिए, फिर हम कुछ और भजन भी करेंगे। आई गिरी नंदिनी नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनु ते गिरिवर विंदि शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनु ते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्घर घर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विस्मोषिणी घोषरते दनुज निरोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ भंजनी रासरते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आयशत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड निविपातित मुंड भटाधिपते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। बहुत ही बढ़िया, मैं आप सारे जो दर्शक देख रहे हैं, अनुराधा जी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने स्तुति की माँ की। आप में से अगर किसी को भी कोई भी डर परेशानी कुछ भी लगती है, आप जरूर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुनना। हाँ, वो स्तोत्र सुनने से ही एक ऊर्जा की लहर आपके भीतर जागृत होगी, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। सारे लोग इस सप्ताह में जुड़े रहो, गुरुदेव का बर्थडे आ रहा है, हम ज्ञान में आ जाए, हम एक ऊर्जावान हो जाए, हम थोड़ा सा सेवा करें अपने आप को। वो देखो, एक कमरे में रहकर, एक घर में रहकर कभी कभी ना थोड़ा सा वो सेवा भाव कम हो जाता है, फिजिकली बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी तुम कर सकते हो थोड़ा सेवा को भी अपने जीवन में ऐड करना, तमस से ऊपर उठाने का काम ही चंडी करती है। तो सही मायने में हम कहेंगे चंडी हम पर प्रसन्न हो गई जब हम तमोगुण से ऊपर उठ के सत्व की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। तो आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं,
और जय विश वी गुड हैव हर्ड यू मोर, लग रहा था कि और भी सुनूं तो, बट आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि मंदिर में नहीं अपने अंदर से इन्वोक करो ताकि वो ये जो COVID-19 का जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए, दैट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू। और हर दिन हमारे साथ सब जुड़े रहें ये, और दूसरे लोगों को भी जोड़ दीजिए प्लीज। कल सुबह हसन तख्ती जी के साथ हमारी साधना है और उनको आप सबको तो पता है कि हसन जी का जो साधना है इट इज सो एनर्जाइजिंग, सो प्लीज वी विल सी यू एट 6:30 AM टुमारो। एंड शाम को डॉक्टर ऋचा चोपड़ा विल टेक अस ऑन अ जर्नी फ्रॉम तमस टू राजस टू सत्वा। सो शुभरात्रि, जय गुरुदेव, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड वी विल लिसन टू अ फ्यू भजन्स नाउ। एंड थैंक यू वेरी मच स्वामी जी वंस अगेन। ऑडिबल है? ओके। जय जय दुर्गे मा श्री भुवनेश्वरी मा, जय जय दुर्गे मा श्री भुवनेश्वरी मा, देवी भवानी मा, काली कपालिनी मा, जगदोधारिणी मा, जगदोधारिणी मा, अम्बानंद रूपिणी जय दुर्गे मा श्री भुवनेश्वरी मा, देवी भवानी मा, काली कपालिनी मा, देवी भवानी मा, काली कपालिनी मा, ज
जगदो धारिणी मां, जगदो धारिणी मां, अम्बानंद रूपिणी अम्बानंद रूपिणी माँ, जय जय दुर्गे माँ, श्री भुवनेश्वरी माँ, भवानी माँ, काली कपालिनी माँ, देवी भवानी माँ, काली कपालिनी माँ, जगदो धारिणी माँ, जगदो धारिणी अम्बानंद रूपिणी माँ, अम्बानंद रूपिणी माँ, आनंद रूपिणी माँ, अम्बा आनंद रूपिणी माँ। परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा, परमेश्वरी जय दुर्गा, जगदीश्वरी जय अम्बा, जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा, जय दुर्गा
जया दुर्गा महामाया जगदम्बा। हे माता विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा, विश्वमोहिनी देवी जगदम्बा, जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा। जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा, परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा, परमेश्वरी जय दुर्गा जगदीश्वरी जय अम्बा, जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा, जय दुर्गा जय दुर्गा महामाया जगदम्बा। We'll do a last version for the evening. Jai Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Jai Radha Raman Hari Bol. J
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। हरि ओम, ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। थैंक यू आदित्य एंड शरद, वंडरफुल ब्लिसफुल सेशन। And good night once again. Thank you all for joining. And we will see you tomorrow, 6:30 a.m. in the morning. In case any one of you have missed watching sessions, or आप चाहते हैं कि और लोग ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान आज उन्होंने इतना वो profound ज्ञान उन्होंने दिया, तो अगर आप चाहते हैं कि लोग उसको देखें, तो YouTube पे हमारा ये video है। आप गुरु सत्ता जो चैनल है हमारा, उसको उस पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए। और कल सुबह 6:30 बजे मिलेंगे और साधना के लिए, और शाम को ज्ञान सत्संग और मस्ती के लिए 8:15 बजे। शुभ रात्रि, जय गुरुदेव। और सब लोग स्टे सेफ, टेक केयर।